हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि किस तरह से एनर्जी वर्क कर रही है आपकी लाइफ में। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं इनर वर्क क्या होता है। आपको पता है कि इनर वर्क शुरू करने के साथ आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। आपने कभी ना सोचा हो शायद कि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां खड़े होने के बाद आपको लोग देख के इंस्पायर हो, आपसे सीखें, जब भी लोग तुलना करें तो आपका नाम आए। क्या आपने ऐसा सोचा है? आपने चाहे सोचा है या नहीं सोचा है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप इस मुकाम पर ज़रूर पहुंच सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दुनिया की कोई भी चीज़ अगर चाहते हैं आपके हिस्से में आए, आप मैनिफेस्ट कर पाएँ, तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो के लिए। बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले हर वीडियोज़ का बेनिफिट्स आप उठा पाएँ। शुरू करते हैं और जानते हैं इनर वर्क क्या होता है। अगर आपने पहली बार इसके बारे में सुना है तो प्लीज़ आप एक बच्चा बन के सुनिएगा, क्योंकि जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है तो आप कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। इसलिए जब भी कहीं सीखने के उद्देश्य से जाइए तो बिल्कुल अपने आप को बच्चा समझ लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप यहाँ कुछ ऑब्जर्व करने आए हैं, सीखने आए हैं। हम बात कर रहे थे कि इनर वर्क क्या होता है और इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है और कैसे किया जाता है। इनर वर्क बहुत बड़ी कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है। इनर वर्क भले ही आपने ना सुना हो, ना किया हो, लेकिन ये सबकी लाइफ में है। इनर वर्क मतलब अपने ऊपर काम करना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ संभव हो पाता है जिसके लिए आप हमेशा सोचते थे कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में कभी आ नहीं सकती, ये असंभव है। सबसे पहला कदम, आप लोग बार बार ध्यान करते हैं, आप लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक आपको सही नॉलेज नहीं है कि इनर वर्क शुरू कैसे किया जाता है, तब तक सब कुछ किया कराया व्यर्थ है। तो इनर वर्क का सबसे पहला कदम होता है सेल्फ लव। जी हाँ, सेल्फ लव जब आप करना शुरू कर देते हैं, आप खुद ब खुद इस रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना। इसमें कहीं से भी स्वार्थ नहीं आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जब आप खुद से प्यार कर रहे हैं तो दूसरों को दुख या तकलीफ दे रहे हैं। आप खुद से प्यार कीजिए। खुद से प्यार करने का मतलब क्या होता है, बहुत लोग इसका गलत मतलब भी समझते हैं, तो इस वीडियो में मैं जितना भी बताने वाली हूँ वो डिटेल में बताने वाली हूँ। सेल्फ लव मतलब आप खुद से प्यार कर रहे हैं। खुद से कैसे प्यार कर रहे हैं? जब आप सेल्फ लव नहीं जानते थे, नहीं करते थे, तब कोई भी पर्सन आपको कुछ भी बोल देता था, फॉर ग्रांटेड ले लेता था। आप खुद से खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आप खुद से खुद को प्यार नहीं करते थे, और इस वजह से आप हमेशा खुद को डीमोटिवेट फील करते थे, हमेशा खुद को सबसे पीछे देखते थे, कोई भी कार्य करते थे उसमें असफल होते थे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि आप सेल्फ लव नहीं करते। सेल्फ लव में खुद से प्यार कीजिए। खुद से प्यार करने में खुद की केयर करना भी आता है, तो खुद की केयर भी खुद से किया करें। अब खुद से प्यार करना मतलब बहुत ज़्यादा सजना संवरना नहीं होता है, हाँ, लेकिन खुद को ढंग से रखना, खुद की इज्जत खुद से करना। अगर आप किसी के सामने खुद को नीचा दिखाते हो बार बार, चाहे आप मजाक में ही ये ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके सोल को बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा करते हैं ना, तो आप खुद को हर्ट करते हैं, मत किया कीजिए।
सेल्फ लव मतलब सजना संवरना नहीं होता है। अपनी सोल को सेटिस्फेक्शन दीजिए, खुश कीजिए उससे कि आप जो कर रहे हैं उससे उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, उसको प्यार मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता है कैसे करें, एकांत में जाइए, ध्यान कीजिए, अकेले में खुद से प्यार कीजिए, बातें कीजिए खुद से। आपको इससे भी नहीं कुछ समझ आ रहा, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए। सेल्फ लव का सबसे सरल और सबसे पावरफुल तरीका, मिरर यानी शीशे के सामने खड़े होइए और खुद को खूब प्यार से देखिए, बहुत प्यार से देखिए, खुद से प्यार का इजहार कीजिए, खुद से आई लव यू बोलिए, खुद को हग कीजिए, खुद को संवारिए। वो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, बहुत लोगों को मैंने देखा है हाथ जल गए, कट गए, बहुत ज़्यादा खून गिर रहे हैं, कोई नहीं, अरे ऐसे नहीं कीजिए। आपको नहीं पता आपकी सोल कितना हर्ट हो रही है इस चीज़ से, तो खुद के लिए खुद को बोलिए कि कैसे हो गया ना, ऐसे नहीं होना चाहिए था। खुद से दवा लीजिए, खुद से लगाइए, ये है सेल्फ लव, और इससे आपकी सोल खुश होती है। और जब आप इतना करने के बाद ध्यान करते हैं, तब आप खुद से मिलते हैं, अपनी इनर सेल्फ से मिलते हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया, आपने खुद से खुद को देख लिया, आप मेडिटेशन कीजिए और ध्यान में आपको फील हो कि आप ही की सोल आपके सामने है, यकीन मानिए आप समझ लीजिएगा कि आप इनर वर्क 100% सही तरीके से कर रहे हैं। और ये जो मैंने इतना बताया, ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इतना जब आप करते हैं तो आपको आगे का रास्ता खुद मिलने लगता है। दूसरी चीज़ है खुद को खुश करना। ये कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपकी सोल भी खुश है, नहीं, वो बहुत सारी ऐसी मेमोरी अपने अंदर रखी हुई है जिसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये मेमोरी तब की हो सकती है जब आप बहुत बच्चे थे, आपको कुछ समझ नहीं था, या ये मेमोरी आपके पास्ट लाइफ से भी हो सकती है, चाइल्डहुड मेमोरी। इसे रिलीज़ करना होता है मेडिटेशन के थ्रू, नेचर्स के थ्रू। अब ये कैसे होगा? मेडिटेशन तो आपको अच्छे से पता है, लंबी गहरी सांस भरनी होती है, सूर्य देव के सामने ये करना होता है। जब सूर्य देव के अंदर से लाल रोशनी निकल रही होती है, तब आप मेडिटेशन कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर से सारी वो तकलीफें निकल रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, पूरी तरह से ख़त्म कीजिए इसे। जब ये प्रोसेस आप डन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, यकीन मानिए गाइस, आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। तीसरा, अपने सैडनेस के ऊपर काम करना रहता है। अब ये वो सैडनेस नहीं है जो चाइल्डहुड था, बल्कि ये वो सैडनेस है जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए होता है। आप चाहे कितने भी लोगों के साथ रहें, आपको अकेलापन फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा सैड फील होगा, और ये इसलिए होता है क्योंकि आप इनर वर्क नहीं कर रहे होते हैं। डिवाइन पावर आपसे कनेक्ट होना चाहती है पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि आपने कोई संकेत मांगा या ऐसे कुछ, नहीं, वो आपसे पूरी तरह से अलाइन होना चाहती हैं। इसलिए आपको बार बार ये फील कराया जाता है कि आपके पास चाहे जितने भी लोग हैं, आप उनके बिना अधूरे हो, आप यूनिवर्स के बिना अधूरे हो, आप उनसे कनेक्ट हो, आप उनसे जुड़ जाओ, आपके जीवन में सब कुछ पॉसिबल होगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो मेरे चैनल पर पहले से भी वीडियोज़ हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या होती हैं, स्पिरिचुअल मार्ग पर कैसे चलें, तो ये आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। और इस वीडियो में मैंने बहुत कम शाइन बताया, बहुत कम तरीके बताए कि आपको क्या करना होता है, लेकिन जो भी बताया है डिटेल में बताया है। कोई डाउट रह गया है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ फॉलो कीजिए और अपना कोई भी डाउट इंस्टेंट क्लियर कीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियो के लिए, और इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, चेक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखिए, इनर वर्क आज से शुरू कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।